हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। भारत में दो तरह के लोग एंटरटेनमेंट मोड से बहुत प्रभावित होते हैं, पहला क्रिकेट और दूसरा सिनेमा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो बॉलीवुड आज इतना पॉपुलर है उसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। आखिर कैसे मूवी बनाने का आइडिया किसी के दिमाग में आया होगा और उस फिल्म मेकर को उससे जुड़ी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। वैसे यह सोचकर ही दिलचस्प लगता है कि उस वक्त आखिर सिनेमा का दौर कैसा होगा। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सिनेमा का आगाज हुआ और आखिर किसने इसकी नींव रखी। भारत में पहली बार सिनेमा 17 जुलाई 1896 में लूमियर ब्रदर्स के द्वारा मुंबई में दिखाया गया था, जिसमें केवल कुछ विजुअल्स और मूविंग सीन्स ही थे। इसके बाद फिल्म बनाने के बारे में कोई हलचल नहीं रही और ना ही किसी ने इसमें पैसा लगाने की हिम्मत जुटाई। 1906 में बम्बई के एक थिएटर में द लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखने के बाद दादा साहब फाल्के ने फिल्म बनाने का फैसला किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है और उनके नाम पर एक प्रेस्टिजियस अवार्ड भी है। दादा साहब दो हफ्ते के लिए लंदन गए और वहां फिल्म बनाने की तकनीक सीखी। ये सब इतना आसान नहीं था, इसके लिए दादा साहब की पत्नी ने अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी। भारत आकर उन्होंने फाल्के फिल्म्स कंपनी बनाई। फिल्म बनाने के लिए उन्होंने ज़रूरत के सभी हार्डवेयर्स बाहर के अलग अलग देशों से इंपोर्ट किए। आप समझ सकते हैं कि यह सब कितना एक्सपेंसिव हो गया होगा। इसलिए दादा साहब ने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक छोटी सी मूवी बनाई जो कि एक मटर यानी कि पी के पौधे के ग्रोथ पर थी। दादा साहब ने फिल्म के कास्टिंग और काम करने वाले क्रू के लिए उस समय के न्यूज़पेपर में ऐड दिया। मेल एक्टर्स तो उन्हें मिल गए पर फीमेल्स रोल के लिए कोई भी महिला राजी नहीं हुई। उस वक्त लोग फिल्म में काम करने के लिए राजी नहीं होते थे क्योंकि उनके बीच एक अजब सी मिथ थी। उन्हें लगता था कि कैमरा उनके सोल के कुछ हिस्से को खींच लेता है और ऐसे व्यक्ति की जल्द ही मौत हो जाती है। उस वक्त यह भी एक मिथ था कि लोगों को लगता था कि सिनेमा में काम करने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए बहुत सारे काम को निपटाने के लिए दादा साहब फाल्के ने अपनी वाइफ को भी ट्रेंड किया और दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर एक फिल्म बनाने का सपना पूरा कर रहे थे। जब दादा साहब को कोई फीमेल एक्ट्रेस नहीं मिली तो वो थककर हार गए और उन्होंने लड़का को ही लड़की बनाकर फीमेल रोल का काम करवा लिया। उस वक्त जिस लड़के ने फीमेल का रोल किया था वो बाद में बहुत पॉपुलर हुआ था और उसके बाद उसने बहुत सारी फिल्मों में ड्यूअल रोल यानी कि वह हीरो का भी रोल करता था और हीरोइन का भी रोल करता था। उस समय सिनेमा की ज़्यादा जानकारी अन्य लोगों को ना होने के कारण फाल्के साहब को स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, डिज़ाइन, मेकअप, फिल्म एडिटिंग और बाकी फिल्म मेकिंग के काम भी करने पड़ते थे। बस उन्हें एक कैमरा हैंडल करने के लिए एक पर्सन मिला जिसका नाम था त्रिम्बक बी तिलांग। फिल्म बनाने में 6 महीने और 27 दिन लगे और लगभग 4 रील की फिल्म तैयार हुई। फिल्म का नाम था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। अप्रैल 1913 को बॉम्बे में इसका प्रीमियर रखा गया। फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही। उस वक्त फिल्म में आवाज़ नहीं हुआ करती थी। राजा हरिश्चंद्र को भारतीय सिनेमा की पहली मूवी समझी गई। इस फिल्म के 2 रोल तो खो गए लेकिन बाकी 2 रोल को सिनेमा जगत द्वारा संरक्षित रखा गया है। दादा साहब फाल्के ने उस वक्त बहुत से नौजवानों को फिल्म बनाने की ट्रेनिंग दी ताकि आगे भी सिनेमा बनता रहे। दुर्भाग्य की बात थी कि फंडिंग की कमी से वो ज़्यादा फिल्म बनाने का काम नहीं कर सके। 14 मार्च 1931 में अर्देशीर ईरानी के द्वारा पहली बोलती फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था आलम आरा और जिसका अर्थ होता है द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उस समय हिंदुस्तान में 14 से भी अधिक मुख्यधारा में बोली जाने वाली भाषाएं थी, इसलिए इस फिल्म को बनाने में उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म में म्यूजिक भी था जिसमें एक्टर ने ही गाना गाया था और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में तबला और हारमोनियम का प्रयोग किया गया था। वैसे इन सब को भी लाइव शॉट किया गया था। फिल्म इतनी पॉपुलर हुई थी कि फिल्म को काबू करने के लिए पुलिस लगानी पड़ी थी। फिल्म का प्रचार एक इंटरेस्टिंग टैगलाइन के साथ किया गया था जो था ऑल लिविंग ब्रीदिंग 100% टॉकिंग। दुर्भाग्य की बात है कि इस फिल्म की सारी कॉपीज खो गई हैं और एक भी कॉपी हमारे पास अवेलेबल नहीं है और बस इस फिल्म का नाम ही एक धरोहर के रूप में हमारे पास मौजूद है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।